सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। चुनावी काउंटडाउन के बीच सियासी पारा लगातार हाई हो रहा है। इसी कड़ी में आज अलीगढ़ में भी सियासी समागम होने जा रहा है, जिसके जरिए हर दल के स्तर से वोटरों का मंथन किया जाएगा। आज प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक शहर में एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो दूसरी ओर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय हुआ है। अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे सपा और कांग्रेस आज एक बार फिर आमने सामने होंगी। ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा दो बार पहले भी हो चुका है। जब नोएडा जा रहे थे अखिलेश, तब भी उनका काफिला प्रियंका के काफिले से टकराया था। दोनों ने अभिवादन किया था एक दूसरे का। उससे पहले एक प्लेन में भी दोनों आमने सामने टकरा गए थे। हालांकि ये जो बार बार टक्कर हो रही है और ये कई सवाल भी खड़े कर रही है, क्या आने वाले चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आएंगे, जिस तरह से ये दोनों बीच रास्ते टकराते हुए नजर आ रहे हैं और एक ही जगह दोनों साथ में चुनावी कार्यक्रम करते नजर आ रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में ये दोनों भी गठबंधन कर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से माहौल एकदम शांत नजर आ रहा है दोनों के बीच चुनावी समय, और ऐसे में एक साथ दोनों की एक ही जगह रैलियां, जनसभा होना और चुनावी जनसंपर्क होना, ये कई सवाल खड़े करता है। आज एक बार फिर चुनावी मैदान में अखिलेश और प्रियंका आमने सामने नजर आएंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अलीगढ़ से संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, आज सपा सुप्रीमो और कांग्रेस से प्रियंका गांधी दोनों ही आमने सामने होंगे, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? शिखा, मैं आपको बता दूं, चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसके पीछे अगर बात करी जाए हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज आगमन हो रहा है। और बड़े नेता अलीगढ़ आ रहे हैं। और अगर चुनावी चुनाव की अगर बात की जाए, तो लगातार जनता को लुभाने का कार्य पार्टियों द्वारा करा जा रहा है। नीतीश, आज अखिलेश का कार्यक्रम कितने बजे से और कहां पे उनके कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी द्वारा आज दोपहर 12 बजे अखिलेश जी आएंगे और प्रेस वार्ता रोड शो भी करेंगे और प्रेस वार्ता भी करेंगे वो तकरीबन 2 बजे। लगातार हर कार्यक्रम में जयंत चौधरी उनके साथ नजर आ रहे हैं, और तो क्या वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रचार के दौरान साथ नजर आ सकते हैं? अगर जयंत चौधरी की बात करी जाए तो वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। एक तरफ अगर देखी जाए तो अखिलेश यादव आ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो प्रियंका गांधी अलीगढ़ आ रही हैं। जी, तो प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, उनके क्या कुछ कार्यक्रम है और कितने बजे वो पहुंचेंगी? प्रियंका गांधी की अगर बात करी जाए तो वो अलीगढ़ दोपहर 12 बजे इंग्लास पहुंचेंगी। अलीगढ़ में 7 विधानसभा है, तो उसमें से एक विधानसभा इंग्लास की है, तो इंग्लास पहुंचेंगी। उसके बाद इंग्लास 12 से 2 बजे तक इंग्लास रहेंगी और फिर 2 बजे के बाद वो अलीगढ़ ही पहुंचेंगी रोड शो करती हुई, और 4 बजे करीब उनकी एक जनसभा भी बताई जा रही है कार्यक्रम के अनुसार। नीतीश, जब अलीगढ़ की जनता के बीच अखिलेश मौजूद होंगे तो अपने समय के यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान के काम भी गिनाते हुए नजर आ सकते हैं, तो क्या कुछ काम करे गए थे सपा कार्यकाल में? अगर सपा की बात करी जाए तो सपा के कार्यकाल, सपा के द्वारा कार्यकाल किए जाने पर वो अपने आप कुछ पब्लिक को, जनता को समझाएंगे। और दूसरी पार्टी अगर बात करी जाए तो लगातार पार्टी उन पर आरोप करी जा रही है कि गुंडई लगातार होती थी सपा के राज्य में। और बात कही जाए और कार्यकाल की, तो सपा ने कोई भी कार्यकाल नहीं किए हैं अपनी सरकार में रहते हुए। जी, अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की अलीगढ़ में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? चुनाव प्रचार किस चरम पे है? बीजेपी की अगर बात करी जाए तो लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता अलीगढ़ के 7 विधानसभा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनता को अपने कार्यकाल के अनुसार उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लगातार वोट देने की अपने प्रति अपील कर रहे हैं। और बात करी जाए अगर सभी जातियों द्वारा, तो हर हर जाति को लुभाने का कार्य किया जा रहा है हर पार्टी द्वारा।
अगर प्रियंका की बात करें तो वो किन मुद्दों के साथ आज अलीगढ़ की जनता के बीच मौजूद रहेंगी? मैं आपको बता दूं शिखा, प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा स्लोगन था कि हम लड़की हैं, लड़ सकते हैं, तो ये स्लोगन के साथ काम करेंगे और लगातार उनका सिर्फ एक ही नारा है कि नारी शक्ति के प्रति जागरूक कर रही है और जनता से अपील कर रही है कि वो हमें इस बार वोट करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता नितेश जुड़े थे। तो आज अलीगढ़ में दोनों ही पार्टियों के कार्यक्रम निर्धारित है, वो चाहे सपा से अखिलेश हो या फिर कांग्रेस से प्रियंका गांधी, तो दोनों ही आज एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं जिस तरह से पिछली बार आए थे। और कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, दोनों ही अपनी पार्टियों का चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें अखिलेश की, तो अखिलेश आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे अलीगढ़ से, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहते हैं, लेकिन आज ऐसा बताया जा रहा है कि आज जयंत उनके साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कड़कड़ाती ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, प्रदेश के लगभग सभी शहरों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी, इसके साथ साथ गरज के साथ बारिश होगी। वहीं राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। ठंड अपने सितंबर पर आ रही है और तस्वीरें देख सकते हैं आप, गोंडा, लखनऊ, लखीमपुर, उन्नाव, फतेहपुर, सभी जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ठंड है। और साथ ही सुबह से ही जो कोहरा है वो भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग घर पे रहने को मजबूर हैं, कोहरे की वजह से ठंड और बढ़ गई है, बाहर निकलते लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। और साथ ही साथ जो लोग घर पे भी हैं उन लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं लोग। तो गोंडा, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, सभी जगह की तस्वीरें देख सकते हैं आप। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पहाड़ी इलाके बर्फ की चादर से ढक गए हैं, सफेद चादर में रंग गए हैं सारे। हरियाली जो पहाड़ों पे हरियाली देखने को मिलती है वो इस समय सफेद हो गई है, यानी कि हर तरफ सफेदी देखने को मिल रही है, बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है पहाड़ों ने। और वहां की जो ठंडी हवाएं है, शीत लहर है, वो सीधा मैदानों की तरफ आ रही है और मैदानी इलाकों में ठंड का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। गोंडा, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, यूपी के तमाम जिले ठंड की चपेट में हैं और साथ ही साथ कोहरे की घनी चादर छाई हुई है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। लोग घरों पे ही रहने को मजबूर हैं, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंड का मौसम है और लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश और कोहरे की जो संभावना है वो भी आप देख रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ठंड है और कई जगह पे ओलावृष्टि भी हुई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके फतेहपुर से। अमरदीप, ठंड अपना कहर दिखा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है शिखा जी की, इस समय जो है फतेहपुर जनपद में ठंड ने आके पूरे आगोश में जो है पूरे जनपद को ले लिया है। और जनपद में लेने के बाद यहाँ पर पशु पक्षी और यहाँ की आम जनमानस भी पूरी तरीके से बेहाल हो चुकी है और अभी तक जो है इस ठंड से कोई निजात पाने का कोई उपाय भी नहीं समझ में आ रहा। यहाँ तक कि मौसम विभाग की भी कोई भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठ पा रही है, मौसम विभाग भी पूरी तरीके से सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार इस जो है जनजीवन जो बेहाल हो चुका है सर्दी की मार से, कोहरे की मार से, ये कब तक सुधर पाएगा। जी अमरदीप, पहाड़ी इलाकों पे लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है किसानों की फसलों पर, ओलों का कितना असर पड़ा है और साथ ही जो पहाड़ी इलाकों पे ठंड बर्फबारी देखने को मिल रही है उसका मैदानी इलाकों में क्या असर है? जी बात बिल्कुल सही है कि जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है, जो बारिश हुई है, उसके चलते जो मैदानी इलाकों की जो स्थिति है, तो यहाँ पर किसान एक तरीके से पूरी तरीके से बेहाल है, उसकी फसलों का काफी नुकसान हुआ है, यानी कि जो ओले गिरे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पूरे फतेहपुर जनपद में तो नहीं, बाकी यह है कि कहीं कहीं फतेहपुर जनपद में ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते किसानों का भारी नुकसान है और नुकसान का आकलन कितने समय कितना होगा जाकर के, ये अभी सोचने का विषय है। ये आखिरकार जो है
जब पूरी तरीके से ठंड से निजात मिल जाएगी तभी पता चल सकता है, क्योंकि फसल पकने के बाद जब किसान की फसल तैयार होती है तब उसे लगता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। जी अमरदीप, इस बारिश और ओले का कौन कौन सी फसलों पर असर पड़ रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि जो ये बारिश हुई है, ओले जो गिरे हैं, इसमें तिलहन की फसल हो गई जाकर के, इसका चने की फसल हो गई जाकर के। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे तिलहन लाही में अगर हम बात करें, जो तिलहन होता है जाकर के जिसमें तेल निकलता है, उस पर भी जो फूल पौधा दे रहा है उसका नुकसान है। बाकी जो फसल पक के तैयार हो गई है केवल कटने के लिए है, उसका नुकसान तो नहीं समझ में आ रहा, पर हाँ इतना जरूर है कि नुकसान हुआ है और जबरदस्त नुकसान हुआ है। जी जिस तरह से फरवरी की शुरुआत हो गई है और इस समय तक ठंड कम होने लगती है, लेकिन ठंड अपने चरम पे है, आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था हो पा रही है? देखिए ऐसा है कि अगर आप जैसे बात कर रही हैं कि अलाव की व्यवस्था की बात, तो देखिए अलाव की व्यवस्था तो कहीं भी कुछ नहीं है, केवल कागजों में है। और रही बात यह कि जो कहा जा रहा है कि फरवरी माह में जो ठंड का असर कम दिखने लगता था, पर अब वो जनवरी और दिसंबर के बाद जो फरवरी में ये ठंड का असर देखने को मिल रहा है, ये वास्तव में एक ऐसा सोचनीय विषय है या प्रकृति की मार है, जिससे हम क्या पूरा जो है विश्व बेहाल है, क्योंकि ऐसी ठंड फरवरी माह में कभी पहले भी नहीं पड़ी है। जी अमरदीप, ठंड तो अपना कहर बरपा रही है लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज है, और ऐसे में चुनाव पे ठंड का असर क्या देखने को मिल रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि ठंड के साथ साथ इस चुनाव की जो तपिश है उसका भी असर पड़ रहा है, क्योंकि जो नेता पहले सुबह बहुत जल्दी निकलते थे प्रचार के लिए निकलते थे, अब वो नेता इस ठंड की मार को देखते हुए थोड़ा लेट निकल रहे हैं, और समय से पहले जो चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित समय है कि इतने समय से 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक के लिए प्रचार की व्यवस्था की जाएगी या प्रचार किया जाएगा, पर यह है कि अमूमन इस ठंड को देखते हुए नेता जो है समय से पहले जो है अपने घरों को पहुंच रहे हैं, और समय के बाद यानी कि 10 बजे के पहले जो निकलने का उनका प्रोग्राम होता था वो मोस्टली 11 बजे ही निकल पा रहे हैं। अब इसका आम जनजीवन पे या चुनाव प्रचार में कितना असर पड़ेगा, कौन नेता होगा, ये सोचनी बात है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। तो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है हर क्षेत्र में, वो चाहे स्वास्थ्य पे हो, स्वास्थ्य पे भी ठंड का सीधा असर पड़ रहा है, रोजगार पे हो उस पर भी सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग बाजारों में कम जा रहे हैं और जो लोगों की बिक्री है वो कम हो रही है। और बात करें चुनाव पे, तो चुनावी कैंपेनिंग के लिए भी लोग अब देर से निकल रहे हैं। जहां लोग सुबह 6 बजे से निकला करते थे चुनाव प्रचार के लिए, 7 बजे से निकला करते थे, अब वो समय 11-12 बजे से हो गया है। तो सीधा असर हर तरफ देखने को मिल रहा है ठंड का। पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, सैलानियों के लिए तो ये एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है, लेकिन मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए ये काफी बुरी खबर साबित हो रही है। ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये लखनऊ की तस्वीर है और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कोहरा कितना है, कोहरे की चपेट में कई जिले हैं और इसकी वजह से जो रफ्तार है गाड़ियों की वो भी धीमी हो गई है, लोग लाइट जलाने के लिए चलने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तापमान में गिरावट हो रही है, लोग घर पर रहने को मजबूर हैं और ठंड में लोगों की जो तबीयत भी खराब होती है उसका सीधा असर भी पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना भी है और कोरोना के जो इस बार के सिम्टम है वो भी सर्दी खांसी जुकाम, मतलब कि बहुत ही मामूली हो गए हैं, और मौसम के बदलते मिजाज के चलते भी लोगों को इन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो कोरोना के मामले भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम के चलते लोग सर्दी खांसी जुकाम को मौसम की वजह मान लेते हैं और कोरोना की जांच कम हो रही है, और ऐसे में कोरोना के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, जिस तरह से ठंड अपना कहर बरपा रही है, क्या कहेंगे इस वक्त लखनऊ में मौसम कैसा है और पारा कितना है? घना कोहरा छाया हुआ था और आज जो लखनऊ का पारा है वो अधिकतम 18 डिग्री व न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो वो 8 डिग्री दर्ज की गई है। किसान, मैं आपको बताऊं कि बीते एक हफ्ते से जो लखनऊ का न्यूनतम पारा है वो तकरीबन 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर वो पारा 8 डिग्री तक आ गया है। ठीक है, इसके चलते जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो गलन है वो बढ़ गई है, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो लगातार जमीनी जो उत्तरी प्लेन्स है उनकी तरफ है, और इसके चलते लोगों में जो ठंड है वो काफी लोगों को ठंड से कहीं राहत मिलती नहीं दिख रही। जी,
और जिस तरह से कोहरे की मार लोगों को झेलने को मिल रही है और ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, अलाव की व्यवस्था में क्या कहेंगे, क्या पहले से कुछ बेहतर हुई है ये व्यवस्था या वैसे की वैसे ही है? विशिखा देखिए, शहर की बात करें अगर हम लखनऊ की, तो यहाँ पे जो चौराहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जरूर नगर निगम की तरफ से व्यवस्था देखने को मिल रही है कि जो अलाव है, जो रैन बसेरे हैं वहाँ पे इसकी व्यवस्था है कि लोग वहाँ पे रात गुजार सके। लेकिन शिखा एक बार फिर ये कहना पड़ेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था देखने को अभी भी नहीं मिल रही है। लगातार इस पे लोगों की कंप्लेन है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन इसको सुनने को तैयार नहीं है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे इसको देख के काम करने की खास जरूरत है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि जो शहर का एक तापमान है उसके बाहर के जो इलाके हैं वहाँ पे जो पारा रहता है वो कहीं ना कहीं 1 से 2 डिग्री और कम होता है। यानी कि अगर लखनऊ का जो न्यूनतम तापमान किसी वक्त पे 8 डिग्री होगा तो जो शहर के बाहरी इलाके होंगे वहाँ पे जो पारा है वो 7 से 6 डिग्री भी दर्ज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में ये व्यवस्था करने की अधिक आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे प्रशासन की तरफ से अनदेखा किया जा रहा है। अभिषेक, जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी हुई है, सीधा असर मैदान पे देखने को मिल रहा है, तो बच्चों के स्कूल बंद किए गए, अगर यूं ही पारा लुढ़कता रहा तो क्या बच्चों की छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती हैं? ऋषिका देखिए, आपको बता दें कि वैसे तो आज बसंत पंचमी का दिन है और आज से कहा जाता है कि गर्मी की शुरुआत होने लगती है, लेकिन अभी जो पारा देखने को आज मिल रहा है और मौसम विभाग के अनुसार ये जो तापमान है ये लगातार 2 से 3 दिन अभी ऐसा ही बना रहेगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि बीते दिन कुछ उत्तर प्रदेश के जिले हैं सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर समेत, वहां पे ओलावृष्टि देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है, जो पारा है वो दिखता सही होता नहीं दिख रहा है। तो इसको चलते अभी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से स्कूलों को कुछ दिन और जो खोलने की जो सोच है वो अभी कुछ दिन के लिए टालनी पड़ सकती है। शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े थे लखनऊ से। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और जो बच्चों की विंटर वेकेशन की गई है, ठंड की छुट्टियां की गई है, कोरोना काल भी है, तो इसको देखते हुए हो सकता है कि बच्चों की छुट्टियां और बढ़ा दी जाए, क्योंकि ठंड से राहत मिल नहीं रही है। मौसम विभाग भी जो अनुमान जता रहा है उसके अनुसार ठंड से राहत मिलने की अभी कोई संभावना नहीं है। तो तापमान की बात करें तो मौसम विभाग भी अभी कोई सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहा है। राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां ओलावृष्टि हुई और बादल छाए रहने की बात कही गई है और बारिश भी हो सकती है गरज के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।